इस फिल्म की कहानी तीन ऐसी नंस के ऊपर आधारित है जो अपनी हवस मिटाने के लिए एक गूंगे बहरे आदमी के साथ ही दिन रात घपाघप करती हैं। अब क्या वो अपने अंदर की खुजली मिटा पाती हैं? ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द लिटिल आवर्स और ये फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम सिस्टर फर्नांडा को देखते हैं जो अपनी एक गद्दी को लेकर चर्च की तरफ जा रही होती है। चर्च पहुंचते ही उसके सामने सिस्टर जेनवरा आती है और वो उससे पूछती है कि तुम पूरी रात कहां पर थी। इस पर सिस्टर फर्नांडा उसे बोलती है कि वो इस गद्दी को पकड़ने गई थी जो रात को चर्च से भाग गई थी। इस पर जेनवरा उससे पूछती है कि रोज रात को ये गद्दी भाग कैसे जाती है। अब वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक माली लुरको आता है और उन्हें गुड मॉर्निंग बोलता है, पर वो दोनों सिस्टर्स लुरको को गंदी गंदी गालियां देकर वहाँ से भगा देती हैं। इसके बाद हम सिस्टर अलेक्जेंड्रा को देखते हैं जो चुपचाप अपने रूम में बैठी होती है। दरअसल सिस्टर अलेक्जेंड्रा का अब इस चर्च में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और वो अब शादी करके एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। अगले दिन अलेक्जेंड्रा के पापा उससे मिलने आते हैं। वो उसे बताते हैं कि उसके लिए कोई भी लड़का मिल नहीं रहा क्योंकि लड़के वाले बहुत ज्यादा दहेज मांग रहे हैं। इस पर अलेक्जेंड्रा उन्हें बोलती है कि अगर वो चर्च में डोनेशन देना कुछ कम कर दें तो दहेज के पैसों का इंतजाम हो सकता है, पर उसके पापा इसके लिए उसे मना कर देते हैं। फिर अगले दिन तीनों सिस्टर्स बुने हुए कपड़ों को लेकर कहीं जा रही थी तभी वहाँ उन्हें वही हरामी माली लुरको दिखाई देता है जो उन्हें अपनी हवस भरी नजरों से घूरने लगता है। वो तीनों सिस्टर्स भी लुरको को ऐसा करते हुए देख लेती हैं और फिर वो उसे माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देकर वहीं पर ही पीटना शुरू कर देती हैं। दूसरी तरफ हम फादर टोमासो को देखते हैं जो सिस्टर्स के बुने हुए कपड़ों को मार्केट में बेचने जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात लुरको से होती है जो उसे बताता है कि अब वो उस चर्च में काम नहीं करेगा क्योंकि उन तीनों सिस्टर्स ने उसे बहुत मारा और उसे गंदी गंदी गालियां भी दी। इस पर फादर टोमासो उसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम प्लीज मत जाओ और आगे से ऐसा नहीं होगा, पर लुरको उनकी कोई भी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। इसके बाद हम लॉर्ड ब्रूनो को देखते हैं जो अपनी वाइफ चूची बाई के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है। वो अपनी वाइफ को अपनी जीती हुई जंग की कहानियां बता रहा था पर चूची बाई का ध्यान तो अपने ही पास में खड़े हुए नौकर ठोकुमल पर था। रात को चूची बाई और ठोकुमल पलंग तोड़ घपाघप करते हैं और घपाघप करने के बाद चूची बाई उसे बताती है कि ब्रूनो तो किसी भी काम का नहीं है क्योंकि उसका छोटा चेतन तो खड़ा ही नहीं हो पाता। अब वो दोनों अपनी ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर लॉर्ड ब्रूनो आ जाता है। अब इससे पहले कि वो ये देख पाता कि उसकी वाइफ के तबले कौन बजा रहा था, उससे पहले ही ठोकुमल वहाँ से कुत्ते की तरह भाग जाता है। फिर लॉर्ड ब्रूनो उसका पीछा करते हुए नौकरों के कमरे में आ जाता है जहाँ पर ठोकुमल सोने का नाटक करने लगता है। लॉर्ड ब्रूनो सभी नौकरों की छाती पर हाथ रख के चेक करता है कि कौन अभी भाग कर आया है। तभी वो ठोकुमल की छाती पर हाथ रखता है और उसे पता चल जाता है कि ये साला नीच वही है जो उसकी वाइफ का गेम बजा कर आया है। अब अंधेरा ज्यादा होने की वजह से लॉर्ड ब्रूनो उसकी शक्ल देख नहीं पा रहा था, इसलिए वो ठोकुमल की चोटी काट देता है और बोलता है कि सुबह होते ही उसे पता चल जाएगा। तभी लॉर्ड ब्रूनो के जाते ही ठोकुमल उठता है और अपने सभी साथियों की चोटी काट देता है। फिर अगली सुबह जब लॉर्ड ब्रूनो चेक करने के लिए उनके पास आता है तब उसे पता चलता है कि ठोकुमल ने उसका चूतिया काट दिया है। कुछ देर बाद चूची बाई फिर से घपाघप करने के लिए ठोकुमल के पास आती है और उसे कोने में दबोचकर उसके साथ खुले में ही चुम्मा चाटी करना शुरू कर देती है। अब उन दोनों की ये रासलीला ऊपर खड़ा हुआ लॉर्ड ब्रूनो भी देख रहा होता है और वो अपने सैनिकों को ठोकुमल की गोटियां काट कर लाने के लिए बोलता है। सैनिकों को आता हुआ देखकर ठोकुमल वहां से भाग जाता है और जंगल में जाकर छुप जाता है। जंगल में ठोकुमल फादर टोमासो को देखता है जो नशे में धुत होते हैं और उनकी कपड़ों से भरी हुई गाड़ी भी पलट चुकी होती है। अब ठोकुमल ये देखकर फादर टोमासो के पास आता है और उनकी मदद करता है। फादर टोमासो ठोकुमल से काफी इम्प्रेस हो जाता है और वो उसे अपने साथ चर्च में ले जाता है। फिर रात को टोमासो ठोकुमल को समझाता है कि तुम यहाँ पर गूंगे और बहरे बनने का नाटक करना, नहीं तो यहाँ की सिस्टर्स तुम्हारा जीना हराम कर देंगी। अगली सुबह फादर टोमासो ठोकुमल को सिस्टर मारिया से मिलवाता है और उन्हें बोलता है कि ये यहाँ पर माली की जॉब कर सकता है। अब सिस्टर मारिया पहले तो उसे रखने से मना कर देती है पर फादर टोमासो के इंसिस्ट करने पर वो मान जाती है। अगले दिन ठोकुमल चर्च में अपना काम कर रहा होता है तभी वहाँ पर सिस्टर फर्नांडा आती है और वो ठोकुमल की गर्दन पर कुलाड़ी रखकर उसे पूछने लगती है कि तुम कौन हो, पर तभी वहाँ पर सिस्टर मारिया जाती है और उसे बताती है कि ये हमारा नया माली है और ये गूंगा और बहरा है। फिर रात को फर्नांडा की एक दोस्त मार्था उससे मिलने आती है और फिर वो दोनों अलेक्जेंड्रा के कमरे में जाकर शराब पीने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जेनवरा भी वहाँ पर आ जाती है और फिर वो सभी मिलकर एक साथ घपाघप करते हैं। अगले दिन ठोकुमल जमीन की खुदाई कर रहा होता है पर तभी वहाँ पर सिस्टर अलेक्जेंड्रा आ जाती है। फिर थोड़ी देर तक ठोकुमल से बातें करने के बाद अलेक्जेंड्रा के मन में भी हवस की आग भड़कने लगती है और वो वहीं पर ही ठोकुमल के साथ पेलन कार्यक्रम शुरू कर देती है। वो दोनों घपाघप का आनंद ले ही रहे होते हैं कि तभी चर्च की घंटी बज जाती है और अलेक्जेंड्रा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम सिस्टर जेनवरा को देखते हैं जो सिस्टर फर्नांडा को अपनी दोस्त मार्था के साथ जंगल में जाते हुए देखती है।
वो छुपकर उन दोनों का पीछा करती है और देखती है कि फर्नांडा और मार्था मिलकर बेलाडोना बना रही होती हैं। दोस्तों बेलाडोना एक पत्ता होता है जिसको लगाकर औरतें मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। बेलाडोना लगाने के बाद वो दोनों ठोकुमल के कमरे में जाते हैं जहाँ पर वो सो रहा होता है। तभी वो दोनों भूखे नंगे भेड़िए की तरह ठोकुमल पर टूट पड़ती हैं और उसके साथ दबा दबा कर घपाघप करना शुरू कर देती हैं। फिर अगले दिन बोसड़ पप्पू नाम का एक आदमी चर्च में आता है और टोमासो और मारिया उसे चर्च घुमाने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ ठोकुमल चुपके से अलेक्जेंड्रा के कमरे में आ जाता है और फिर वो दोनों वहीं पर ही धुआंधार संभोग करना शुरू कर देते हैं। अब वो दोनों अपना कार्यक्रम कर ही रहे होते हैं पर तभी वहाँ पर एक बूढ़ी नन आ जाती है जिसको देखकर ठोकुमल चिल्लाने लगता है। वहाँ अलेक्जेंड्रा भी ठोकुमल की आवाज सुन लेती है पर वो उसको इग्नोर करके उस बूढ़ी नन के पास जाकर बैठ जाती है। वहीं ठोकुमल भी उसके पलंग के नीचे जाकर छुप जाता है। फिर थोड़ी देर बाद ठोकुमल वहाँ से भागने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर सिस्टर मारी और भोसड़ पप्पू आ जाते हैं जिसको देखकर ठोकुमल फिर से पलंग के नीचे घुस जाता है और फिर उनके जाते ही वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन अलेक्जेंडर ठोकुमल के कमरे में आती है और उसे पूछते कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम गूंगे बहरे हो। अब ठोकुमल उसे सच बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर जेनवरा आ जाती है और उसको देखकर अलेक्जेंडर एक कोने में जाकर छुप जाती है। फिर जेनवरा कमरे के अंदर आती है और वो ठोकुमल के ऊपर चढ़कर उसके साथ पेलन कार्यक्रम करना शुरू कर देती है पर तभी उसे फर्नांडा की आवाज सुनाई देती है और फिर वो भी भागकर उसी कोने में जाकर छुप जाती है जहाँ पर अलेक्जेंडर बैठी हुई थी और वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। फिर कमरे के अंदर फर्नांडा आती है और वो ठोकुमल को किडनैप करके अपने साथ जंगल में ले जाती है। तभी अलेक्जेंडर और जेनवरा भी उन दोनों का पीछा करने लगती है और वो देखती है कि जंगल के बीचों बीच चुड़ैलों का नंगा नाच चल रहा है और ठोकुमल को उसने पास में ही बांधा हुआ है। अब ये देखकर अलेक्जेंडर और जेनवरा समझ जाती हैं कि ये सभी नंगी औरतें ठोकुमल की बलि देने वाली हैं। फिर फर्नांडा जैसे ही ठोकुमल को मारने वाली होती है तभी वहाँ पर जेनवरा आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोक लेती है। फिर ठोकुमल भी उनको अपनी सच्चाई बता देता है कि वो गूंगा बहरा नहीं है। इसके बाद जेनवरा भागते हुए चर्च जाती है और चिल्ला चिल्ला कर सबको बाहर बुला लेती है। उसकी आवाज सुनकर बिशप भी वहाँ पर आ जाते हैं और जेनवरा उनको बताती है कि फर्नांडा एक डायन है। फिर बिशप सिस्टर मारिया को बुलाने उसके पास जाते हैं पर तभी वो देखते हैं कि मारिया के रूम से फादर टोमासो भी बाहर निकल रहे हैं। अब ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं कि मारिया टोमासो के साथ पेलन कार्यक्रम कर रही थी। फिर अगले दिन बिशप सबको सजा सुनाता है और वो फादर टोमासो को ट्रांसफर दूसरे चर्च में करवा देता है जहाँ पर सिर्फ मर्द ही रहते हैं। इसके बाद वो ठोकुमल को वापस लॉर्ड ब्रूनो के पास भेज देता है जहाँ पर लॉर्ड ब्रूनो उसे काल कोठरी में बंद कर देता है। वहीं बाकी तीनों सिस्टर्स को उनकी गलतियों की माफी मिल जाती है पर उनको ठोकुमल की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। दूसरी तरफ ठोकुमल काल कोठरी में बंद होता है और तभी वहाँ पर लॉर्ड ब्रूनो आता है और उसे बताता है कि आने वाले कुछ दिनों में उस पर कई तरह के टॉर्चर किए जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक कछुआ आता है जिसकी पीठ पर एक मोमबत्ती जल रही होती है। दरअसल उस कछुए को उन तीनों सिस्टर्स ने भेजा था ताकि वो उससे सैनिकों का ध्यान भटका सके। फिर जैसे ही वो चूते सैनिक कछुए के पीछे जाने लगते हैं तभी वो सिस्टर वहाँ आकर ठोकुमल को नन वाले कपड़े पहनाती है और उसे वहाँ से ले जाती हैं। वो सिस्टर ठोकुमल की जगह एक पुतला रख देती हैं जिसे सैनिकों को लगे कि ठोकुमल अभी भी वहीं पर ही है। अब वो तीनों सिस्टर्स और ठोकुमल आजाद हो जाते हैं और दूसरी तरफ फादर टोमासो और सिस्टर मारिया भी एक हो जाते हैं और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।